गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश यादव आपकी इस केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में क्वांटम नंबर के बारे में बता रहे थे कि हमारा जो है सिलेबस जो है बोर के क्वांटम सिद्धांत के बाद से स्टार्ट है। तो बोर का क्वांटम सिद्धांत या बोर क्वांटम थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हमको प्लैंक क्वांटम थ्योरी को समझना होगा। इस क्वांटम थ्योरी को मैक्स प्लैंक ने दिया था। मैक्स प्लैंक जो है 1900 में एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एक अपनी थ्योरी दी जिसको मैक्स क्वांटम थ्योरी कहा जाता है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी मैक्स, ठीक। क्योंकि इसको समझना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि बोर जब जो हमारे वैज्ञानिक थे बोर साहब, उन्होंने जो प्लैंक का क्वांटम थ्योरी थी इसकी सहायता को लेते हुए उन्होंने अपना क्वांटम थ्योरी दिया था। इसलिए हमको प्लैंक क्वांटम थ्योरी है इसको समझते हुए तब आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो प्लैंक का क्वांटम थ्योरी है इसको समझते हैं पहले क्या है, क्योंकि बोर साहब इसी को बेस बना के आगे बढ़े थे। इसको अगर ये क्वांटम थ्योरी को बेस बना के ना किए होते तो शायद वो आगे ना बढ़ पाते। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी है क्या। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी में ये कुछ पॉइंट आपके सामने दिख रहे होंगे। प्लैंक क्वांटम थ्योरी में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे पहले से ही मेंशन कर रखे हैं। तो पहला पॉइंट जो प्लैंक साहब थे, पहला पॉइंट इन्होंने कहा किसी भी वस्तु के विकिरण ऊर्जा जो एब्जॉर्ब या इमिट होती है, यानी किसी वस्तु के द्वारा जो ऊर्जा का शोषण है, जो ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है शोषण, और इमिशन का मतलब उत्सर्जन, जो ऊर्जा का शोषण अथवा उत्सर्जन है वो सतत न होकर असतत होता है, यानी कंटिन्यूअस न होकर असतत होता है। जैसे मान लो कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है, एक बार चेक करते हैं दिखाई दे रहा है, हाँ। तो देखो मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है, अगर ये ऊर्जा का शोषण करता है, ऐसे ऊर्जा कोई आती है यहाँ पे, ऊर्जा कहीं सनलाइट या किसी के जरिए आती है, तो वो ऊर्जा का यहाँ इस वस्तु के द्वारा जो ऊर्जा का शोषण यानी एब्जॉर्ब, यानी ऊर्जा जो इसमें सोखी जाती है, शोषण का मतलब सोखना, तो ऊर्जा इसमें जो ली जाती है शोषित की जाती है वो लगातार एक जैसी नहीं होती है, वो असतत होती है, कभी कम कभी ज़्यादा कुछ इस तरीके से होती है, ठीक। लगातार कंटिन्यूअस नहीं होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है, ठीक। ये पहला पॉइंट उन्होंने बोला था। या इस ऊर्जा का इमिशन, कोई बहुत सारी वस्तु होती है जो ऊर्जा को इमिट भी करती है यानी उत्सर्जित करती है, तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन भी एक जैसा नहीं होता है, लगातार एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है, ठीक। तो पहले पॉइंट में उन्होंने बोला था कि किसी वस्तु के द्वारा विकिरण ऊर्जा का शोषण यानी रेडिएशन एनर्जी जो है, विकिरण ऊर्जा का शोषण या एब्जॉर्प्शन या इमिशन उत्सर्जन एक जैसा न हो के क्या होता है असतत होता है, यानी डिसकंटिन्यूअस होता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला था कि ऊर्जा का जो एब्जॉर्प्शन है या इमिशन है, ऊर्जा का जो शोषण है, एब्जॉर्प्शन का मतलब शोषण और इमिशन का मतलब उत्सर्जन, ऊर्जा का जो शोषण या उत्सर्जन है यानी जो ऊर्जा किसी वस्तु के द्वारा ऊर्जा को शोषित किया जाता है या उत्सर्जित किया जाता है, उसको प्लैंक साहब ने एनर्जी बंडल बोला। क्या बोला? एनर्जी बंडल बोला, यानी ऊर्जा का पैकेट बोला। ऊर्जा का बंडल का मतलब आप लोग इस्तेमाल करते ही हैं, बंडल क्या होता है, पैकेट होता है। तो ऊर्जा का पैकेट उन्होंने बोला कि ऊर्जा जो होती है या एब्जॉर्ब होती है या निकलती है, ऊर्जा या तो आती है या तो जाती है, तो एक बंडल के रूप में, इसी को उन्होंने बंडल बोला, बंच बोला, बंडल बोला, ये बंडल बोला।
ऊर्जा किसी वस्तु के द्वारा अगर निकलती है या फिर आती है तो वो एक तरीके से बंडल के रूप में होती है, बंडल बंच के रूप में, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ऐसे बंडल, बंडल में ऊर्जा का उत्सर्जन या एब्जॉर्प्शन होता है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा का प्रत्येक बंडल जो होता है, उन्होंने बोला, प्लैंक साहब ने कहा, ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा का जो प्रत्येक बंडल है, यानी हर बंडल जो है, जितने भी बंडल है, जैसे इतने एनर्जी जो विकिरण है, विकिरण ऊर्जा इतनी जब आ रही है तो इसको इन्होंने एक बंडल बोल दिया, इसको एक बंडल बोल दिया। तो उन्होंने कहा जितने भी बंडल होते हैं उनको उन्होंने कहा कि वो क्वांटा कहलाएंगे, क्वांटा या फोटान नाम से बोला, कहा उन्होंने ये जो बंडल है वो एक क्वांटा कहलाएंगे अथवा फोटान कहलाएंगे। ठीक, आगे आते हैं, एक क्वांटा की जो ऊर्जा है, उन्होंने कहा आगे नेक्स्ट पॉइंट में, उन्होंने कहा एक क्वांटा की ऊर्जा को, एक क्वांटा की ऊर्जा को कैपिटल ई से दर्शाया उन्होंने, यानी आप जानते हैं आइंस्टीन के समीकरण से ई इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है, क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है। इसी को प्लैंक साहब ने बोला था ये कुछ नहीं एच न्यू है, एच न्यू है, क्या है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर या एच न्यू। ये इतना तो आइंस्टाइन के समीकरण से प्राप्त होता है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इन्होंने ये एक समीकरण दिया था ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो इसी को उन्होंने कहा ये जो बंडल है क्वांटा है ये एक क्वांटा कहलाती है एच न्यू। एच क्या है, एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, एच जो है प्लैंक कांस्टेंट इन्होंने बोला, एच को प्लैंक कांस्टेंट बोला, और न्यू जो है न्यू तरंग आवृत्ति है, वेव फ्रिक्वेंसी उन्होंने बोला, तरंग आवृत्ति, प्लैंक कांस्टेंट, एच प्लैंक कांस्टेंट और न्यू को तरंग आवृत्ति बोला। और इसी को उन्होंने बोला एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ठीक, यानी अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ से एम सी स्क्वायर को हम हटा देते हैं तो उन्होंने कहा ई बराबर जो होगा एच न्यू जो बराबर होगा एच सी बाई लैम्डा के। अब एच वही प्लैंक कांस्टेंट है जो प्लैंक साहब ने बोला कि भैया ये जो है प्लैंक कांस्टेंट है। दरअसल उन्होंने बोला ऊर्जा जो है बंडल के रूप में होती है, ऊर्जा का उत्सर्जन या इमिशन, एब्जॉर्प्शन या उत्सर्जन जो भी है बंडल के रूप में होता है। ठीक, अब ये बंडल को उन्होंने बोला क्वांटा, क्या बोला, क्वांटा, एक क्वांटा की जो ऊर्जा होती है वो एच न्यू होती है, एच न्यू इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा बोला उन्होंने। यहाँ पे एच बराबर जो होता है प्लैंक कांस्टेंट है, इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जो है 6.625 इंटू 10 टू दी पावर ठीक माइनस 27 अर्ग सेकेंड में बोला उन्होंने, अर्ग सेकेंड, ये अर्ग सेकेंड, ये एच का जो मान है उन्होंने, अगर इसका मान जो है सी जी एस में लेते हैं, ये सी जी एस है सी जी एस पद्धत में, तो एच का जो मान उन्होंने बताया 6.625 इंटू 10 टू द पावर 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 अर्ग सेकेंड। ठीक, ये सी जी एस पद्धत में है, अगर इसको एम के एस पद्धत में लेना चाहते हो तो ये जो है जूल और सेकेंड में जाएगा, जूल सेकेंड में जाएगा। और ये कितना होगा, ये होगा 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक, चलो अब देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे समझने चाहिए। एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू जो है तरंग की आवृत्ति है, वेव फ्रिक्वेंसी है। यहाँ पे अगर देखोगे तो सी जो है, सी बराबर जो है प्रकाश की चाल है, और लैम्बडा जो है तरंग दैर्ध्य है। लैम्बडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, लैम्बडा जो है तरंग दैर्ध्य है। लैम्बडा का मान जो है मीटर में अगर लोगे, इसका मान अगर मीटर में लोगे तो एम के एस पद्धति में आएगा। ठीक, सी जो है प्रकाश की चाल है। ठीक, चलो आगे बात करते हैं।
आगे नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोला, किसी वस्तु के द्वारा शोषित या उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा एक क्वांटा, यानी ये एक क्वांटा है ना, E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी एच न्यू एक क्वांटा, जब जब कभी भी क्वांटा की बात आएगी तो वहाँ पे एच न्यू तुम रख सकते हो। तो एच न्यू की ऊर्जा ऊर्जा की पूर्ण गुणक होती है, ठीक है, एक क्वांटा की ऊर्जा, ठीक है, एक क्वांटा की ऊर्जा, ऊर्जा की जो मात्रा है क्वांटा की ऊर्जा के पूर्ण गुणक होती है। यानी पूर्ण गुणक का मतलब अगर बंडल में आएंगे तो जो भी ऊर्जा अगर आएगी वो पूर्ण गुणक होगी, यानी किसके, एच न्यू है तो ये एच न्यू होगा, यानी एक क्वांटा हो गया। अगर दो क्वांटा की बात करोगे तो टू एच न्यू हो जाएगा, तीन क्वांटा की बात करोगे तो थ्री एच न्यू हो जाएगा, यानी ऐसे पूर्ण एक इंटीजर होगी, यानी एक दो तीन चार होगा, कभी भी दो बटा तीन क्वांटा नहीं होगा, यानी दो क्वांटा पूरा का पूरा होगा, दो बटा तीन क्वांटा नहीं हो सकता है या तीन बटा दो क्वांटा नहीं हो सकता है, यानी जो एनर्जी है वो एक इंटीजर होगी, यानी पूर्ण एक संख्या होगी ऐसे, एंड सो ऑन, ऐसे ही ये चलता जाएगा, ठीक। ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी का कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में प्लैंक साहब ने सन 1900 में अपना जो है ये थ्योरी दिया था, जिसको कहा जाता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक। पहला पॉइंट है इसमें, किसी वस्तु की विकिरण ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन, शोषण या इमिशन जो है असतत होता है। दूसरा है, ऊर्जा एब्जॉर्प्शन या इमिशन जो होता है वो बंडल के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, बंडल के रूप में होता है, यानी बंडल में ऊर्जा मिलती है। प्रत्येक ऊर्जा जो होती है वो प्रत्येक ऊर्जा जो बंडल होती है उसको क्वांटा बोलते हैं, क्वांटा या फोटॉन शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, PHOTON, फोटॉन, फोटॉन, क्वांटा या फोटॉन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा एक क्वांटा जो है, यानी एक क्वांटा की जो ऊर्जा है उसको कैपिटल ई से दर्शाया, ई इज इक्वल टू उन्होंने एच न्यू और ये जो है SC/λ बताया, जहां एच जो है प्लैंक कांस्टेंट कहलाता है। एच क्या कहलाता है, प्लैंक कांस्टेंट कहलाता है, जिसका मान अगर सीजीएस में देखेंगे तो 6.625×10⁻²⁷ अर्ग सेकेंड होता है। नेक्स्ट अगर सीजीएस में लेते हैं तो 6.625×10⁻³⁴ जूल सेकेंड होता है। अब जानते हो यहाँ से सी क्या है, सी जो है प्रकाश का वेग है, प्रकाश की चाल या वेग कह सकते हो, जिसका मान कितना होता है, जिसका मान प्रकाश की चाल का मान 3×10⁻ कितना होता है, 8 m/s। अगर सीजीएस में लोगे तो माइनस ये हो जाएगा, अगर इसको आप लेते हो ध्यान देना, अगर प्रकाश की चाल, सी क्या है, सी जो है प्रकाश की चाल है या वेग है, जिसका मान होता है 3×10⁻¹ m/s, ठीक। अगर ये किस में है, ये MKS पद्धति में है। अगर इसी को तुम CGS पद्धति में लेना चाहते हो तो तुम जानते हो कि 1 m के बराबर होता है 100 cm, या 1 cm बराबर होता है किसके, 1 cm बराबर होता है 1/100 m के। तो अब इस मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात, 3×10⁻¹ क्या हो जाएगा, 10 cm/s, ठीक। ये किस में है, सीजीएस में है।
अब एम के एस सी जी एस तो जानते ही होगे, फिजिक्स में पढ़े ही होगे। एम के एस का फुल फॉर्म होता है क्या? मास किलोग्राम सेकेंड। ठीक, सी जी एस सेंटीमीटर, ये मीटर बोल सकते हो, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। सी जी एस को बोल सकते हो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी पहला जो होता है वो मास का होता है, सॉरी लेंथ का होता है, लेंथ की यूनिट होती है, उसके बाद मास की यूनिट होती है, उसके बाद टाइम की यूनिट होती है। तो लेंथ की यूनिट एम के एस में मीटर होता है, मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड। इसी तरीके से अगर इसी को सी जी एस में लोगे तो ये हो गया लेंथ का यूनिट जो होता है सेंटीमीटर, मास का ग्राम और टाइम का सेकेंड। इसी तरह से एक होता है फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, इसको एफपीएस सिस्टम कहा जाता है। ये मेनली जो है ब्रिटेन में चलता है, वहाँ पे वजन जो होता है पाउंड में तोला जाता है। देखो ये क्या हो गया तुम्हारा, लेंथ हो गई, ये मास हो गया और ये टाइम हो गया। तो लेंथ जो होता है फुट में नापा जाता है, ये फुट, ये वही वाला फिट जिसको बोलते हो। अब मास जो होता है वहाँ पे पाउंड में तोला, पाउंड में लिया जाता है, और टाइम किस में लिया जाता है, सेकंड में लिया जाता है। ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी का बेस लेते हुए बोर साहब ने अपना जो है थ्योरी दिया। तो नेक्स्ट जो है हम बोर क्वांटम थ्योरी को समझते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीडियो में हम बोर क्वांटम थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ठीक।